नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है वेम्पायर हब डॉट कॉम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त अनुराग। दोस्तों कैसे हो? आज हम बात करने वाले हैं जिस वैकेंसी की, वो काफी खास है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस डाक विभाग या फिर बोले तो पोस्टल सर्कल रिक्रूटमेंट की। यहाँ पे टोटल 239 पोस्टमैन मेल गार्ड के पद हैं। तो चलिए जान लेते हैं इसके वैकेंसी डिटेल्स, साथ ही आपको बता देते हैं कि आप इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों लेकिन उससे पहले प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें हमारे यूट्यूब चैनल को। इससे आप हमें मोटिवेशन देंगे और हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वैकेंसीज लेकर आएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज का क्विज क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं कपिल देव, मिल्खा सिंह, पीटी उषा, मेजर ध्यानचंद। अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इसके वैकेंसी डिटेल्स। दोस्तों यहाँ पर रिक्रूटिंग बॉडी है वेस्ट बंगाल पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट, यानी कि ये वेस्ट बंगाल की पोस्टल सर्कल डाक विभाग की भर्ती है। एम्प्लॉयमेंट टाइप है सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, ये केंद्र सरकार की भर्ती। आप इंडिया में कहीं भी रहते हो, किसी भी स्टेट में रहते हो, आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपका जॉब लोकेशन रहेगा वेस्ट बंगाल। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 239 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है। और यहाँ पर पोस्ट का नाम है पोस्टमैन और मेल गार्ड, यहाँ पर दो ही पद हैं। और इसके लिए एडुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई, तो दोस्तों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ 10वीं पास के उम्मीदवार। जी हाँ, अगर आपने 10वीं पास कर लिया है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको एडिशनल कोई भी अदर क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। अगर एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर एज लिमिट है 18 से 27 साल की। पे स्केल क्या मिलता है, तो पे स्केल यहाँ पर काफ़ी अच्छा मिलता है। यहाँ पर पे स्केल मिलता है 21,700 रुपीज़ टू 36,100 रुपीज़। सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पर बेस्ड है रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू पर। और अगर अप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहाँ पर ऑल अप्लीकेंट्स रजिस्ट्रेशन फी है 120 रुपीज़, जनरल ओबीसी अप्लीकेंट्स के लिए 400 रुपीज़ अप्लीकेशन फीस, वहीं ऑल अदर अप्लीकेंट्स के लिए एससी एसटी एक्स सर्विसमैन पीडब्ल्यूडी के लिए बिल्कुल फ्री। दोस्तों यहाँ पर अप्लीकेशन फीस में मुझे कुछ झोलझाल लग रहा है, तो मैं इसका क्लियर जो भी अपने डाउट्स क्लियर करके मैं आपको बता दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आप जरूर से चेक कर लें इसके अप्लीकेशन फीस के रिगार्डिंग सारे डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों तो अब सवाल उठता है फाइनली कि आप इस वैकेंसी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल, आपको सिंपली इसी पेज पर आना है जो कि आप देख रहे हो अपने डिवाइस के स्क्रीन पे। आप इस पेज पर आएं, सारे डिटेल्स को पढ़ें और सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए इस फॉर्म का फिलअप कर लें। दोस्तों इस पेज का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पर स्टार्टिंग डेट टू अप्लाई है 18 जून 2018, वहीं लास्ट डेट टू अप्लाई है 17 जुलाई 2018। स्क्रीन पर आपको दो लिंक शो कर रहा है। पहला लिंक है इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन का, जिसे कि डाउनलोड करके आपको पढ़ना है। उसके बाद ही सेकंड लिंक यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिंक पर क्लिक करके आपको अप्लाई करना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को जरूर से लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक पर एंड व्हाट्सएप पर शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम मिलते हैं एक नए सरकारी नौकरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।